अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथ का। क्लास सिक्स का लेक्चर नंबर है 16, सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या करना है? रिव्यू एक्सरसाइज 2। यानी रिव्यू का क्या मतलब होता है? हमने दोबारा रिवाइज करना है जो हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, यानी हमने जो 2.5 एक्सरसाइज तक पढ़ा ना, हमने उन सबको ही इसमें रिवाइज करना है। अब देखें, जैसे हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी होल नंबर्स स्मॉलर देन 4 से। 4 से हमने स्मॉलर देन नंबर्स लिखने हैं, यानी छोटे नंबर लिखने हैं। तो क्या है 4 से स्मॉलर देन? 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक मिनट। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, 4 से स्मॉलर लिखना था 0। ठीक है, 0, 1, 2, 3 होल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स नहीं है। होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट है, इसलिए क्या आएगा 0, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द होल नंबर। कितने हमने 1, 5 और 10, इन तीनों के हमने अलहदा अलहदा से नंबर लाइन बनानी है। जैसे ये एक एक नंबर लाइन है, ठीक है, यानी 10 की ही कह लेंगे, 1 से 10। ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, फर्स्ट पर कि इसको कहा है कि रिप्रेजेंट करना है 1 को, रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1 को। ठीक है, इसी तरह आपने फिर इसकी एक और नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, ये जैसे 10 की है हमारे पास, इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या क्या 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमने ये 5 को, ये अभी एक ही क्वेश्चन हो रहा है पर उसके 3 पार्ट हैं, 1, 5, 10 के। ठीक है, ठीक है, हमने 5 को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो आपने इस एक लाइन ये वाली करने के बाद आपने लिखना है 10 द रिक्वायर्ड नंबर is 1। फिर इसके नीचे लिखना है 10 द रिक्वायर्ड नंबर is 10। इसी तरह 5, ठीक है, फिर आपने फिर एक नंबर लाइन बनानी है, फिर आपने 10 को रिप्रेजेंट करना है, या आपने खुद करना है। फिर ये है बी वाला है के लेस देन 7, यानी 7 से लेस देन जो नंबर है उनको रिप्रेजेंट करना है। ये देखें, नंबर लाइन है 10 तक, और 7 से हमने छोटे हर नंबर को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। 10 द रिक्वायर्ड नंबर लेस देन 7 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 3, यूज़ दी नंबर लाइन टू फाइंड दी गिवन सम्स। हमने क्या करना है? हमने इनको सम्स करना है, यानी जमा करना है। यानी हमने अपने 2.1 में या 2 में हमने ये क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 1 में किए थे। फर्स्ट है हमारे पास 2 एंड 3 सॉल्यूशन, द सम ऑफ 2 एंड 3 इज़ 2+3=5। नंबर लाइन बनाई हमने, और 5 को हमने 2+3=5 होता है, तो हमने 5 को रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह आपने 6 और 1 को, इसी तरह आपने लिखना है, इस क्वेश्चन में लिखना है बी पार्ट, 1 एंड 6 सॉल्यूशन, द सम ऑफ 1 एंड 6 इज 1+6=7। नंबर लाइन बनाई और 7 को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, इसी तरह 4 एंड 5 का करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट आपको इन तीनों क्वेश्चंस में भी कोई मसला है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आपने मेरे से ग्रुप में पूछ लेना। करंटली स्टूडेंट 9 to 11 ग्रुप में ऑनलाइन हुआ करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।